मुंडापांडे टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन ने 3 कृषि काले कानूनों को लेकर विरोध में लगातार 8 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और मुरादाबाद में मुंडापांडे टोल प्लाजा पर 45 दिनों से बैठे हुए हैं। लगातार जल्द से जल्द 3 कृषि बिल को सरकार द्वारा वापस किए जाएं, तभी सभी किसान अपने घर वापस लौट जाएंगे। जब तक 3 कृषि काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक किसान अपने घर वापस नहीं जाएंगे और गन्ने के भुगतान को डिजिटल माध्यम से कराया जाए ताकि गन्ना डालते ही गन्ने की पेमेंट किसान के खाते में आ जाए। इसी संबंध में भारतीय किसान यूनियन के अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया है, जिससे जल्द से जल्द सभी किसानों की मांगें पूरी हो जाएंगी। सभी किसानों का कहना है कि भारत सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, पूरा न होने पर हम लोग इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। तजिंदर सिंह विर्क है, मैं अध्यक्ष ताई किसान संगठन और संयुक्त मोर्चे के सदस्य हैं। जी सर, कहाँ जा रहे हैं, क्या मामला है सर? आप पिछले 7 महीने से दिल्ली की हद पर बैठा है किसान और सरकार सो रही है। सरकार इस प्रदेश के अंदर जिस तरह से लोकतंत्र को हत्या कर महिलाओं का चीर हरण कर ब्लाकपुर में वो पंचायत चुनाव में मस्त है, किसान की चिंता नहीं है। आज बड़ा जत्था एक तराई से किसानों का गाजीपुर बॉर्डर पर जा रहा है। हर जनपद से, हर मंडल से किसान जत्थों के रूप में बॉर्डर पर जा रहे हैं और किसानों की जो मांग है कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और तीनों कानून वापस हो, इसको लेकर आने वाले जो संसद का सत्र है 22 तारीख से चलेगा। हर जलक जगह से हर संगठन के लोग संसद को कूच करेंगे और इस सरकार को जगाने का काम करेंगे। जो सरकार डंडे के बल पर, हिटलर शाही के दम पर इस आवाज को दबाना चाहती है जो हक और न्याय की आवाज़ है, तो ऐसे हिटलर शाही नहीं चलेगी। इसलिए किसान जाग चुका है इस देश का और जब जब किसान जागा है तब तक इस देश के अंदर किसान सरकारों को झुकना पड़ा है और किसानों की जीत हुई है। आज हम फिर एक बड़े जत्थे के रूप में गाजीपुर जा रहे हैं और जैसे जैसे संयुक्त मोर्चे के कार्यक्रम आएंगे वैसे वैसे किसान जो है उस मोर्चे के अपील के ऊपर गाजीपुर पहुंचता रहेगा। नाम चौधरी रणधीर सिंह है और मैं यहाँ महानगर अध्यक्ष हूँ मुरादाबाद में। जी हम लोग यहाँ लगातार 1.5 महीना लगभग 45 दिन यहाँ पर हो गए हैं बैठे हुए और दिल्ली बॉर्डर की सीमाओं पर लगभग 8 महीने हो चुके हैं। सरकार ये जो 3 कृषि काले कानून लाई है इनके विरोध में किसान खड़ा हुआ है और ये जब तक काले किसान कृषि काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक घर वापसी नहीं है। आज इसी उपलक्ष्य में मुरादाबाद में एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आना हुआ तो हम लोगों ने उनको एक ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के नाम, जो कि SDM सदर यहाँ पहले ही आ गए थे। उन्होंने काफ़ी फोर्स के साथ में लगा करके हम लोगों को मिलने नहीं दिया। फोर्स तानाशाही कर रही है जैसे सरकार की तानाशाही है, इस तरह से ये फोर्स भी तानाशाही करती है। बताओ ऐसे मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री क्या फ़ायदा है जो तुम ताकि ना सुने? भाई कोई भी अधिकारी है किसी भी क्षेत्र का है, अगर वो जनता की नहीं सुनेगा तो उसके लिए क्यों बनाया गया? इस योगी सरकार में 3-3 मुख्यमंत्री बैठे हैं परंतु किसानों की कोई नहीं सुनिया, तो ऐसे मुख्यमंत्री हमें जरूरत तो है नहीं। आने वाले सालों में ये जो मुख्यमंत्री अपनी तानाशाही दिखा रही है, जो BJP तानाशाही दिखा रही है, इसको हम धराशाही कर देंगे और ये तब तक हम किसान लोग वापसी नहीं जाएंगे तब तक हमारी ये कृषि कार्य। भारतीय किसान यूनियन।